दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस नेल कटर में इस गोल सी चाकू जैसे दिखने वाली चीज का क्या नाम होता है? टीवी एंटीना का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही क्यों होता है और इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर ये 3 स्टार्स क्यों बने होते हैं? अब क्योंकि हम में से अधिकतर लोग रोजाना अक्सर ऐसी कई चीजें देखते हैं, लेकिन इनके पीछे का रियल पर्पस हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते। तो इस वीडियो में हम ऐसी कुछ चीजों और उनके पीछे छुपे रियल पर्पस के बारे में जानेंगे। सो नंबर 17, जीन्स की सबसे छोटी पॉकेट। दोस्तों, जीन्स में बनी हुई छोटी सी पॉकेट को 5th पॉकेट कहा जाता है। वैसे तो लोग इस पॉकेट में कॉइन्स, बस की टिकट वगैरह रख लेते हैं, लेकिन इस पॉकेट को जीन्स में बनाने का असल पर्पस तो पॉकेट वॉचेस को संभाल कर रखना था। दरअसल 18th सेंचुरी में जीन्स गोल्ड माइनर्स की फेवरेट पैंट हुआ करती थी और उस समय सबसे कीमती चीज जो वो अपने पास रखते थे वो थी पॉकेट वॉच। इस 5th पॉकेट में महंगी और कीमती घड़ियां सेफ रहती थी। यही वजह है कि तब से अब तक जीन्स में ये 5th पॉकेट बनाई जाती है। नंबर 16, सोडा कैंस के पॉप टैप पर बना हुआ छोटा सा होल। सोडा कैंस के ऊपर बने हुए पॉप टैप से आप कैन को आसानी से ओपन कर लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पॉप टैप पर बने हुए इस छोटे से होल का क्या पर्पस होता है? दरअसल ये होल कैंस के अंदर स्ट्रॉ डालने के लिए होता है। जिस तरह से आप किसी फ्रूटी में स्ट्रॉ डालते हैं, ठीक उसी तरह कैंस में भी स्ट्रॉ डालने के लिए ये छोटा होल बना होता है। नंबर 15, टूथपिक के ऊपरी हिस्से पर बनी हुई डिजाइन। आप लोग टूथपिक को इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टूथपिक के ऊपरी हिस्से पर डिजाइन क्यों बनी हुई होती है? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ डिजाइन नहीं होती, बल्कि टूथपिक का ये हिस्सा टूथपिक होल्डर की तरह काम करता है। टूथपिक के ऊपरी हिस्से को तोड़कर मुंह में इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से को इस टूटे हुए हिस्से पर रखा जाता है, ताकि वो टूथपिक गंदी ना हो और उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। नंबर 14, जीन्स में लगे हुए छोटे छोटे मेटल्स के बटन्स। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आपके जीन्स में साइड पर लगे हुए बटन्स सिर्फ स्टाइल या फैशन के लिए नहीं होते, बल्कि इन बटन्स को लगाने का अपना एक पर्पस होता है। इन मेटल के बटन्स को उन जगहों पर लगाया जाता है जहाँ से जीन्स के फट जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जब जीन्स के पैंट्स का चलन शुरू हुआ था, तब ये पैंट वर्किंग क्लास जैसे लेबरर्स, माइनर्स और फार्मर्स की पसंदीदा पैंट बन गई थी, लेकिन इस क्लास के काम करने के तरीके से पैंट के फटने के ज्यादा चांसेस होते थे। इसलिए पैंट को फटने से बचाने और उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए ये बटन्स जीन्स में लगाए जाते हैं। पैंट्स की कैप में बना हुआ छोटा सा होल। बचपन में जब से आप लोगों ने लिखना शुरू किया होगा, तब से आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि पैंट्स की कैप में ये छोटा सा होल क्यों होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पैंट की कैप पर बने हुए इस होल का एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। पैंट के मैन्युफैक्चरर्स ने पहले से अंदाजा लगा लिया था कि छोटे बच्चे इस कैप को निगल सकते हैं, जिससे सफोकेशन हो सकता है और तो और डेथ भी हो सकती है। अगर कोई बच्चा बाय चांस कैप निगल भी लेता है, तो कैप में होल होने से लंग्स को सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस होल को प्रिवेंटिव मेजर्स की वजह से बनाया गया था। नंबर 12, टीवी एंटीना की डायरेक्शन। दोस्तों, क्या आपको पता है आपके टीवी एंटीना का फेस किस डायरेक्शन में होता है? असल में दोस्तों, टीवी एंटीना का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। दरअसल दोस्तों, टीवी एंटीना सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करके हमें टीवी पर वीडियोस की फॉर्म में दिखाता है, और ये सैटेलाइट भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सिग्नल भेजती है और अर्थ के साथ खुद भी रिवॉल्व यानी घूमती रहती है। नंबर 11, शूज की साइड पर बने हुए एक्स्ट्रा होल्स। हम सभी बचपन से शूज पहनते आ रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपके शूज में साइड की तरफ 2 होल्स बने हुए होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये होल्स फैशन के लिए या एयर फ्लो के लिए होते हैं, लेकिन असल में इन होल्स का भी एक अहम पर्पस होता है। ये 2 होल्स भी बाकी के होल्स की तरह लेसेस को बांधने के लिए होते हैं। लोग अपने साइज के हिसाब से शूज को होल्स की मदद से बांध सकते हैं, जिससे उन्हें शूज का बेहतर फिट मिल जाता है और रनिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नंबर 10, नोटबुक में बने हुए साइड वाले मार्जिन्स। आप लोगों ने अपनी कॉपीज में बने हुए साइड वाले मार्जिन्स को देखा होगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये मार्जिन्स पॉइंट्स नंबर डालने या टीचर्स के रिमार्क्स लिखने के लिए होता है, लेकिन असल में ये मार्जिन आपके काम को खराब या फटने से बचाने के लिए होता है। पुराने जमाने में पेपर्स को अक्सर चूहे खा लेते थे या फिर गीला होने की वजह से पेपर खराब हो जाते थे। ये मार्जिन्स पेपर में तभी से बनाए जा रहे हैं ताकि अगर चूहे साइड से खा भी लें तो बीच में लिखा हुआ काम खराब या फट ना जाए। नंबर 9, कीबोर्ड के लेटर्स की अरेंजमेंट। आप लोगों ने कीबोर्ड के लेटर्स की अरेंजमेंट तो देखी ही होगी। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि ये अरेंजमेंट ऑर्डर में क्यों नहीं होती? असल में जब पहला कीबोर्ड बनाया गया था, तब वो एक टाइपराइटर की फॉर्म में इन्वेंट हुआ था और तब उसके लेटर्स की अरेंजमेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही थी, लेकिन अल्फाबेट्स ऑर्डर में होने की वजह से टाइपिंग करने वाले की स्पीड ऑटोमेटिकली इतनी फास्ट हो गई थी कि टाइपराइटर के कीज की तारें आपस में उलझना शुरू होने लगी थी। इसीलिए बाद में कीबोर्ड्स के मैन्युफैक्चरर्स ने कीज को रैंडमली अरेंज करना शुरू कर दिया, जो कि आज भी ट्रेंड में है। नंबर 8, कार्स में लगे हुए डिटैचेबल हेडसेट।
ये तो लोगों को अच्छी तरह पता है कि कार्स की सीट के हेडरेस्ट को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये हेडरेस्ट आसानी से निकल क्यों जाते हैं और इसमें जुड़ी रॉड्स का क्या काम हो सकता है। तो दोस्तों, इन हेडरेस्ट को डिटैचेबल बनाने के पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है, वो यह है कि अगर आप लोग गाड़ी के अंदर फंस जाते हो तो इस हेडरेस्ट को निकाल कर इसकी हेल्प से आप विंडो तोड़ के बाहर निकल सकते हैं। नंबर 7, आईफोन के कैमरा लेंस और फ्लैश के बीच में मौजूद एक ब्लैक डॉट। दोस्तों, अगर आपने कभी गौर किया हो तो आईफोन के बैक कैमरा की लेंस और फ्लैश के बीच एक ब्लैक डॉट होता है। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या काम होता है? असल में ये ब्लैक डॉट माइक्रोफोन होता है जो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान बैकग्राउंड में होने वाले शोर को एलिमिनेट करता है, यानी कि हटा देता है और एक अच्छी साउंड क्वालिटी को कैप्चर करने में हेल्प करता है। नंबर 6, पिज्जा के बीच में लगी हुई प्लास्टिक की एक छोटी सी टेबल जैसी दिखने वाली चीज। कभी कभार लोग जब पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो पिज्जा के बीच में एक प्लास्टिक की छोटी सी टेबल जैसी चीज लगी होती है। असल में ये चीज एक स्टैंड की तरह काम करती है जो पिज्जा को उसके बॉक्स से दूर रखता है ताकि पिज्जा की टॉपिंग्स खराब ना हो पाए और जब आपको पिज्जा मिले तो सारी टॉपिंग्स अपनी जगह पे लगी हुई हो, ना कि पिज्जा बॉक्स के ढक्कन पे। नंबर 5, कीबोर्ड के एफ और जे कीज पर उठे हुए निशान। क्या आप जानते हैं कि कीबोर्ड के एफ और जे पर उठे हुए निशान क्यों बने होते हैं? दरअसल ये निशान आपकी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए लगाए गए थे। जी हाँ, जब आप अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को एफ पर रखते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड ASD को आराम से कवर कर लेता है। ठीक इसी तरह जब आप अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को जे पर रखते हैं तो आपके राइट हैंड जे के साथ वाली कीज को कवर कर लेता है और आपके थंब स्पेस बार को कवर कर लेते हैं। ये उठे हुए निशान अपने आप को फील करा देते हैं कि कौन सा हाथ किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। इस तरह से आपको टाइप करते वक्त कीबोर्ड पर बार बार देखने की जरूरत नहीं होती, जिससे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। नंबर 4, ईयरफोन्स में बने हुए एक्स्ट्रा होल्स। ईयरफोन्स में बने हुए होल्स तो जाहिर है कि स्पीकर का काम करते हैं, लेकिन बाकी के एक्स्ट्रा होल्स साइड में क्यों बने होते हैं? दरअसल ये एक्स्ट्रा होल्स एयर पास करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे स्पीकर का डायाफ्राम अच्छे से मूव कर सके। इन होल से साउंड का ट्रांसमिशन इजी हो जाता है और साउंड की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। नंबर 3, लैपटॉप के चार्जर में लगी हुई सिलेंडर जैसी चीज। लैपटॉप के चार्जर में चार्जिंग जैक के पास जुड़े इस सिलेंड्रिकल चीज को फेराइट बीड कहा जाता है। इस फेराइट बीड का लैपटॉप के सही से काम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। असल में लैपटॉप का हर यूनिट रेडियो फ्रिक्वेंसीज की वजह से काम करता है और इसकी चार्जिंग केबल एक एंटीना की तरह काम करती है जो लैपटॉप के वाइब्रेशंस को रेडियो फ्रिक्वेंसीज के रूप में ब्रॉडकास्ट करके इंटरफेरेंस क्रिएट करती है। इस फेराइट बीड में मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड होता है जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज को एक दूसरे से इंटरफेयर करने से रोकता है और इस तरह लैपटॉप स्मूथली काम करता है। नंबर 2, इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर बने हुए 3 स्टार्स। इंडियन क्रिकेट टीम और उसकी यूनिफॉर्म सभी को पसंद है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी इनकी यूनिफॉर्म की बारीकियों को देखा है? इंडियन क्रिकेट टीम की टी शर्ट के चेस्ट पर 3 स्टार्स बने होते हैं। क्या आप जानते हैं 3 स्टार्स का क्या मतलब है? असल में दोस्तों, ये 3 स्टार्स ये बताते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम ने अब तक 3 वर्ल्ड कप जीते हैं, जिसमें से 2 ODI के हैं और 1 T20 का है। नंबर 1, नेल कटर के साथ अटैच्ड यूनिट्स। दोस्तों, नेल कटर इस्तेमाल करते वक्त अक्सर आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि इसके साथ अटैच चीजों का पर्पस आखिर है क्या? लेकिन कहते हैं ना कि हर एक चीज का कुछ ना कुछ पर्पस होता है, तो इस गोल चाकू जैसे दिखने वाली चीज का भी पर्पस होता है। असल में ये गोल चाकू बॉटल ओपनर का काम करता है। तो दोस्तों, आप हमारी बाकी के ये अमेजिंग फैक्ट्स वाली वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो यहीं खत्म होती है। लेकिन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।